बड़ी खबर कही रहेगी पंजाब के गायक दलेर सिंह मेहंदी जिहड़े करदे नज़र आ रहे हैं। 18 साल पुराने परचे विच 2 साल की सज़ा अदालत ने बरकरार रखी है। इस सिलसिले विच पंजाब की पुलिस ने अदालत के फैसले पिछे दलेर मेहंदी नूं गिरफ्तार कर लिया। साल 2003 दे विच फर्जी तरीके नाल लोगों नूं विदेश भेजण दे सिलसिले च दलेर सिंह मेहंदी ते परचा कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार ने दर्ज किया सी। तुहाडे याद होगा 2002 तो 2007 की टर्म के कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार सी, ये परचा उस वेले दर्ज होया सी। हालांकि उस तो बाद दलेर मेहंदी ने भी गाने के रूप से रिप्लाई किया सी। वड्डे पद्धर ते तलखियां सियासत में उस वेले तो दिखाई दी सो 18 साल पुराने मसले के हुण होया की है उस ते असी नज़र मारन की कोशिश करांगे। थाने 498 नंबर FIR दर्ज हुई सी। इस केस का फैसला मानयोग निधि सैनी जी की अदालत ने 2018 दे विच कीता सी और इन्हां नूं 2 साल कैद की सज़ा की सी। अज इन्हां दी जिहड़ी उस फैसले के खिलाफ इन्हां ने अपील पाई सी, अज उस अपील का फैसला होया। अपील के फैसले विच सज़ा नूं बरकरार रखा गया और इन्हां नूं 2 साल की सज़ा बरकरार रखने तो बाद कस्टडी च लिया गया। दलेर मेहंदी जिन्हां ते परचा 2003 दर्ज होया कांग्रेस की उदो टर्म सी। हालांकि वार वार असीं कह रहे हैं तुहानूं कि 2003 का परचा सी, 2003 के परचे दलेर मेहंदी ने हुण मुश्किलां मुड़ तों वधदियां जा रहियां। हालांकि अपने वक्रे तरीके नाल दलेर मेहंदी ने उस वेले एक गाना गा के भी रिप्लाई किया सी पंजाब के कुछ सियासतदानों नूं। पर सब तो अहम सवाल यह है कि दलेर ते इल्जाम कड़े लगे। बलिंदर इस खबर से जानकारी दी सांझ पुणगे। बलिंदर तफसील नाल समझण दी कोशिश करांगे की कुछ हुण तक स्टेज वाइज होया है। जी बिल्कुल, दस दिए कि कृष्ण हुणे हुणे जिहड़ा हैगा मानयोग अदालत पटियाले दी मानयोग अदालत ने दलेर मेहंदी दी जिहड़ी 2 साल दी पहला सजा सी कबूतर गौल मामले च उहनू जिहड़ा हैगा बरकरार रख्या। फिलहाल दलेर मेहंदी नूं पटियाला पुलिस वल्लों जिहड़ा हैगा पटियाला दी केंद्रीय जेल दे विच भेज दित्ता गया। दस दिए कि 2003 दे विच बख्शीश सिंह ने एक इल्जाम लगाया सी कि जिहड़े दलेर मेहंदी पॉप गायक ने उह उहनां नूं कनेडा ले जाण दे एवज दे विच 13 लाख रुपया उहनां तों लिता सी। दस दिए कि म्यूजिशियन यानी कि जिहड़े म्यूजिशियन हुंदे आ चाहे वह तबला बजाते हो या कुछ होर जिहड़े इंस्ट्रूमेंटल बजाते हो वह बजाण दे नाल जिहड़ा हैगा दलेर मेहंदी नूं दे नाल बख्शीश सिंह नूं कनेडा लैके जाना सी, जिहदे 13 लाख रुपया दित्ता सी बख्शीश सिंह ने दलेर मेहंदी नूं। दस दिए कि इसका मरोकर जिहड़ा हैगा बख्शीश सिंह नूं मिलाउण वाला दलेर मेहंदी नाल मिलाउण वाला पटियाला दा ही रहण वाला सी, सो पटियाला दे विच 13 लाख दित्ता सीगा। जदों बख्शीश सिंह ना ही कनेडा जा सकते ना ही उन्होंने 13 लाख रुपए वापस किए गए तो बख्शीश सिंह जिहड़ा हैगा पटियाला दे जिहड़ा हैगा इक थाने जाके रिपोर्ट लिखांदे आ तां मामला जिहड़ा हैगा इनवेस्टिगेट किया जाता तां उस तों बाद मामला कोर्ट दे विच जांदा। तां 2018 दे विच निधि सैनी की अदालत वल्लों जिहड़ा हैगा दलेर मेहंदी नूं 2 साल की सज़ा सुनाई जाती है। तां उस तों बाद जिहड़े उहदे वकील है सज़ा नूं चैलेंज करदे आ अपील करदे ने ਤਾਂ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ 4 ਸਾਲ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਉਹ ਦਿਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਪੀਲ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਸਜ਼ਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਨਿਧੀ ਸੈਣੀ ਵੱਲੋਂ 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਟਿਆਲਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕਸਟਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਲੇਰ ਮਹਿੰਦੀ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ 30 ਤੋਂ 31 ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਈਆਂ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਸ ਦੇ ਡਰ ਦੇ ਮਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗਾ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਵਧਾ ਸਕੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਸਪੈਸ਼ਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਨੇ ਖੁਦ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਥਰੈਟ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਦਲੇਰ ਮੈਦੀ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾਪਸ ਲਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਲੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਸੋ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਤੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਖੁਸ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੀੜਤ ਨੇ ਖੁਸ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਨੇ। ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਜਿਹੜਾ ਦਲੇਰ ਮੈਨੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਕਲਪ ਨੇ, ਹਾਈਕੋਰਟ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਜ਼ਮਾਨਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਲੈ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਬਹਰਹਾਲ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦੀ ਘੜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਰਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜ਼ਰੂਰ ਬਤਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਤਾਂ ਵਕੀਲ ਅੱਗੋਂ ਕੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਾਂ ਕੀ ਅੱਗੋਂ ਜਿਹੜੇ ਦਲੇਰ ਮੈਦੀ ਦੇ ਕੀ ਰੁਖ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ ਕੁਛ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦੱਸੂਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ
पर बलिंदर इत्थे सब तो वड्डी गल इह है कि जेकर 3 साल की सज़ा हो जां 3 साल तो घट की सज़ा हो सो जमानत मौके पर भी मिल सकती है। हुण किस तरह की जिहड़ी उह चैलेंज इस फैसले नूं दलेर करनगे जमानत नूं लैके किस तरह का रुख है क्योंकि मामला बड़ा पुराना 2003 का। मैनूं याद है कैप्टन अमरिंदर सिंह चीफ मिनिस्टर सन, कैप्टन की सरकार च परचा दर्ज होया, वह वक्री गल है कि बाहर आके दलेर मेहदी ने गाने के जरिए कुछ सियासतदानों ने रिप्लाई भी दिता सी। जी बिल्कुल करिशन, मैं अमेंडमेंट करना चाहूंगा कि बेल जी एप्लीकेशन दी थी लेकिन महाजोग ने बेल रद्द कर दी है, यह उन्होंने पीड़ित वकील का कहना है। मैंने याद है जो दलेर मेहदी ने मामला दर्ज होया सदर थाने एक मामला दर्ज होया, काफी पॉपुलर जिहड़ा है उस वक्त पॉप गायक से दलेर मेहदी, सो काफी चर्चित रहा है मामला कबूतरबाजी का मामला। हालांकि एक दो होर भी जिहड़े सीगे स्टार्टिंग दे विच जिहड़ा मामला दर्ज होया किसी होर से होया सी, तां उस तो बाद जिहड़ा है मामला दलेर मेहदी दे उपर आया सी। तो तुम सही क्या कि कांग्रेस सरकार के समय जिहड़ा है मामला दर्ज होया सी, लेकिन इत्थे एक गल जरूर मैं अमेंडमेंट करना चाहूंगा, हालांकि जिहड़े वकील ने दस्सिया कि बेल जिहड़ी एप्लीकेशन लगाई सी लेकिन मानयोग अदालत ने बेल रिजेक्ट कर दी है, इसी करके जिहड़ा है उन्होंने पटियाला की केंद्रीय जेल च भेजा गया है। सो आने वाले समय के हम की रुख तैयार कर दिया कि देखना होगा, लेकिन इन्ना जरूर है कि जेडे इमीग्रेशन के नाम से या कबूतरबाजी के नाम से भोले भाले लोगों को पैसा ठगते, उन्होंने गाड़ी जी मेहनत की कमाई जी है ठग रहे, उन्होंने जोड़ा है हम जो ध्यान रखने योग हो गया कि मानयोग अदालत जी है चाहे वह कि मर्जी रसूख क्यों ना हो, चाहे वह गायक हो, चाहे कोई आर्टिस्ट हो, चाहे कोई भी बड़ा हो, मानयोग अदालत भी सब एक बराबर है, कानून एक बराबर है, तो उसमें सजा जरूर मिलेगी। अगर कोई जोड़ा है कबूतरबाजी का या इमीग्रेशन की आड़ के कोई जो है इस तरह के धंधे करते हैं, सो कितने ना कि अभी बड़ी खबर यह है कि मानयोग अदालत वालों जोड़ा है 2 साल की दलेर मेहदी में सजा बरकरार रखी गई, उसका मेडिकल करा के जोड़ा है पटियाला की केंद्रीय जेल के भेज दिया गया। जी